टिक्स मॉड्यूल वन थर्टी थ्री स्टैंडर्डियेशन स्टैंडर्डियन इज दर ऑफ डिस्पर्शन मैयिलिटी हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर देखा कि जो मैयर ऑफ वेरिएबिलिटी है उसके लिए हम मीन डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड एर ऑफ मीन का इस्तेमाल करते हैं और रेंज का इस्तेमाल करते हैं हमने यह भी देखा कि ऐसा डाटा जो कि स्क्यूड होता है उसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवियशन उसका मीन डेविएशन उसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और उसका वेरिएंस ये ज्यादा होता है क्योंकि यहां पे डाटा स्प्रेड ज्यादा है यहां पे इंडिविजुअल वैल्यूज का मीन वैल्यू से डिफरेंस ज्यादा है जबकि अगर हम नॉर्मल डाटा को देखें तो नॉर्मल डाटा के अंदर इन तमाम चीजों की वैल्यूस कम होंगी यानी मीन डेविएशन की वैल्यू कम होगी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होगी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की वैल्यू कम होगी और यहां तक के वेरिएंस की वैल्यू भी कम होगी क्योंकि हम पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर ये अज्यूम करते हैं कि जो सैंपल्स के जो वेरिएंसेस हैं वो होमोजेनियस है यानी वो सेम है उसके अंदर स्टैटिस्टिकल डिफरेंस मौजूद नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव रूट ऑफ़ है। variance के अंदर जब हम मजर ऑफ वेरियबिलिटी निकालते हैं तो हम डाटा का स्क्र लेते हैं उससे क्या होता है उससे जो यूनिट है वो चेंज हो जाता है तो उस यूनिट को दोबारा से एडजस्ट करने के लिए हम उसका स्केर रूट लेते हैं ताकि उसका यूनिट सेम आ जाए अब जो स्टैंडर्ड एवियशन है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है इसको हम कंप्यूट करके ये अंदाजा लगाते हैं कि जिस डाटा को हम डील कर रहे हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है या स्क्यूट क्योंकि अगर स्टैंडर्ड एविएशन और स्टैंडर्ड एरर की वैल्यूज बड़ी हैं, तो इसका मतलब यह है कि डाटा के अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है और अगर इनकी वैल्यूज छोटी हैं, इसका मतलब है कि ऐसे डाटा के अंदर वेरिएबिलिटी कम है अब स्टैंडर्ड एवियशन का फॉर्मूला इस स्लाइड के अंदर दिया गया है यहां पे जो x माइनस एक्स बार एक्स बार मीन है एंड नंबर है ऑब्जर्वेशन का तो इस के अंदर हम वैल्यूज को पुट करके तो स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट कर सकते हैं अब स्टैंडर्ड एरर क्या है स्टैंडर्ड एरर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम एन के स्के रूट से डिवाइड करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आ जाता है आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि जो स्टैंडर्ड एरर है यह हमें यह बताता है के जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन के मीन से कितना फर्क है जबकि जो स्टैंडर्ड एविएशन है ये हमें ये बताता है कि जो पॉपुलेशन का जो मीन है उसके अंदर जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं उससे कितनी ज्यादा वेरिएशन है कितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी है आमतौर पर हम स्टैंडर्ड एविएशन और स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यूज हैं को मीन वैल्यू के साथ प्लस माइनस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जब हम अपना डाटा एनालाइज करते हैं तो हम उसका स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं और दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं और जब हम टेबल या ग्राफ बनाते हैं तो उसके नीचे नोट लिख देते हैं कि ये प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड एवियशन की वैल्यू है या फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की वैल्यू है